Hey everyone, welcome to Shom's IAS Pehu Shivangi Sharma, and here I'm with chapter 6 of the same book, which is class 6 history, our past. So chapter 6 is new questions and ideas. So here we're going to discuss about some new questions that maybe arrived in our past and some ideas as well. So uske pehle hum padhte hai anagha ke baare mein. So ये पहली बार है जब अनघा अपने स्कूल ट्रिप पे जा रही है, तो वो पुणे से ट्रेन पकड़ रहे हैं. लेट नाइट ट्रेन है क्योंकि वो जा रहे हैं वाराणसी में. उसकी मदर उसको सी ऑफ करने आई है स्टेशन में, और वो अपने टीचर्स को बोलती वो उसकी टीचर्स को बोलती है कि बच्चों को बुद्धा बुद्धा जी के बारे में भी बताए और सारनाथ दिखाने भी ले जाए. ठीक है, सो बुद्धा जी के बारे में हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा सिद्धार्था, जिनको गौतम भी बोला जाता है, गौतम बुद्धा, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, जो कि आज से करीब करीब ढाई हजार साल पहले बोर्न हुए थे, 25 years अगो बोर्न हुए थे. ठीक है, सो बुद्धा अपने टाइम पे वो एक स्मॉल गना को बिलोंग करते थे, नॉन एज द सक्य गना, एंड वो एक क्षत्रिय थे. ठीक है, वो अपनी अप, उन्होंने अपने जब वो यंग हुए तो अपने उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ दिया नॉलेज के सर्च पे, और वो जगह जगह पर घूमने लगे. उन्होंने मीटिंग्स की, काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन करा और थिंकर्स के साथ, बहुत सारी रियलाइजेशन करी, मेडिटेट किया पूरे पूरे दिन तक, और अपने एक वो एक पीपल के बोधगया में, जो बिहार में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी एनलाइनमेंट, सारा अपना नॉलेज गेन किया थ्रू मेडिटेशन एज अ पीपल ट्रेन बोध गया. ठीक है, उसके बाद से ही उनको बुद्धा या फिर द वाइस वन कंसीडर किया गया. ठीक है, वो सारनाथ में गए नियर वाराणसी, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी उन्होंने पढ़ाया. ठीक है, अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने घूमने में और अपने मतलब पैदल घूमने में, जगह से जगह जाने में और लोगों को सिखाने में, मतलब जब तक वो कुशीनारा में उनकी जब वो मतलब कुशीनारा में जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक वो जगह जगह जाके लोगों को सिखाते थे और मतलब अपनी अपनी अपने व्यूज शेयर किया करते थे. तो बुद्धा टॉट डैट उनकी लाइफ जो थी वो सफरिंग और अनहैप्पीनेस से फुल थी. ऐसा क्यों? बिकॉज ये तब होता है जब हमें अपने डिज़ायर्स की क्रेविंग होती है. ऐसा इसलिए शायद क्योंकि वो फुलफिल नहीं हुई होगी. एंड द सेकेंड रीज़न इज कि हमें मिलता है, हमें मिल रहा है, हमें क्यों चाहिए, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, और चाहिए, और डैट इज़ समथिंग वॉट वॉन्ट फॉर मोर. ठीक है, तो बुद्धा ने इसको डिस्क्राइब किया था, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया था एज थर्स्ट और तन्हा. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की जब आपको कॉन्स्टेंट क्रेविंग होती है, तो आपकी जो मॉडरेशन है वो सभी को रिमूव कर देती है. ठीक है, सो ही ऑल्सो उन्होंने बहुत बहुत तरह के लोगों को देखा, जो कि और लाइफ को भी रिस्पेक्ट करते थे वो, साथ साथ में और रिस्पेक्ट और ज़िंदगी को भी, जो और लोग थे उनको भी रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो. उसके अलावा वो बिलीव करते थे कि हम जो एक्शन करेंगे उसी का रिजल्ट मिलेगा, नॉन एज कर्मा. तो वो बोलते हैं जो करोगे वही पाओगे, डैट इज़ कर्मा. ठीक है, अगर आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. ठीक है, बुद्धा जो भी सिखाते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होती थी, जो कि इजीली हर कोई समझ पाता था. ठीक है, वो लोगों को सिर्फ उनके ऊपर एनकरेज नहीं करते थे कि अपने ऊपर देखो, जबकि वो मतलब वो जो भी बोलते थे वो लोग सिंपली एक्सेप्ट कर देते थे, बिकॉज वो चीज़ें ही ऐसी बोलते थे. ठीक है, हे दिस इज सांची स्तूप. ठीक है, उपनिषद के बारे में हम पढ़ते हैं आप यहाँ पे. अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स, इसी के साथ साथ काफ़ी और थिंकर्स भी मिले जिनके पास फिजिक्स फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे. ठीक है, काफ़ी ने सेक्रीफाइस भी परफॉर्म किए, कुछ परमानेंट ही अपना घर छोड़कर आ गए, है ना. और मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वर, अगर आपको कुछ भी होना है, जो परमानेंट जो चीज़ होनी है इन दिस यूनिवर्स, समथिंग दैट इज़ परमानेंट इवन आफ्टर डेथ. ठीक है, उनको लोगों को ऐसा लगता था कि डेथ के बाद भी जिंदगी है.
ठीक है, तो वो उसको डिस्क्राइब करते थे एज अ आत्मा, एक इंडिविजुअल सोल को आत्मा कंसीडर किया गया, और जो यूनिवर्सल सोल है उनको एज अ ब्रह्मांड, उनको ब्रह्मांड का नाम दिया गया। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मांड दोनों ही एक है। ठीक है, अल्टीमेटली वो ये भी बिलीव करते थे कि आप अल्टीमेटली जो आत्मा है और ब्रह्मांड है वो एक ही है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ उपनिषद में हमें देखने को मिलते हैं। उपनिषद का जो लिटरली मीनिंग होता है, डैट इज़ अप्रोचिंग एंड सेटिंग नियर। ठीक है, इसमें बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, जो कि डायलॉग, सिंपल डायलॉग्स के थ्रू ही प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, जो भी मोस्ट ऑफ द उपनिषद्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन ही उसके थिंकर से ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें से भी स्पेशली ब्राह्मण्स और राजास। ठीक है, इनमें से भी जो वुमेन्स हैं उनको मेंशन किया गया है, जैसे गर्गी, अपाला, गोशा एंड मैत्रेयी। ठीक है, ये कुछ फेमस हैं इन लर्नर्स में जिन्होंने डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पुअर लोग, जो गरीब लोग थे, वो रेयरली ही इन सब चीज़ों में हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो काफ़ी फेमस एक्सेप्शन है वो है सत्यकमा जबाला का, जिनका नाम रखा गया था उनकी मदर के नाम पे। उनकी मदर एक स्लेव वुमेन थी जिनका नाम था जबाली। ठीक है, वो उनकी बहुत ही डीप डिज़ायर थी, उनकी मतलब एक रियलिटी जानने की, इसलिए उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट किया एक ब्राह्मण टीचर के पास। एक ब्राह्मण टीचर ने उनको एक्सेप्ट किया और उनका नाम दिया एंड नेम्ड गौतमा। ठीक है, और आने वाले टाइम पे वो बेस्ट नोन थिंकर्स बने। ठीक है, उपनिषद के बहुत जो उपनिषद के जो भी आइडियाज़ थे उनको शंकराचार्य, जो काफ़ी फेमस थिंकर्स थे, उन्होंने और डेवलप किए, जो हम चैप्टर सेवन, जो क्लास सेवन्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आता है जैनिज्म। तो जो लास्ट और सबसे जो लास्ट और 24th तीर्थंकारा थे जैनास के, उनका नाम था वर्धमान महावीरा। जो भी यही करते थे, जिन्होंने भी टाइम के साथ साथ अपनी अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया, वो भी अराउंड 25 ईयर्स अगो, वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे, वो थे लिच्छवीस के। ठीक है, और उसके अलावा वो वजी संघा के एक पार्ट थे। ठीक है, जो उसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। 12 साल तक, मतलब जब वो 30 साल के हुए, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो जंगलों में रहना उन्होंने शुरू किया। 12 साल तक वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी काफ़ी हार्ड तरीके से उन्होंने काटी। ठीक है, और एट द एंड उनको एनलाइनमेंट मिला। ठीक है, एनलाइनमेंट मिला, उनको सारी सारी नॉलेज मिली। ठीक है, उनकी एक सिंपल डॉक्ट्रिन थी कि मैन और वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स एंड मस्ट फॉलो द स्ट्रिक्टली रूल ऑफ अहिंसा। अहिंसा का मिक्स्ड जो स्ट्रिक्ट रूल है वो उनको फॉलो करना है, जिसमें वो किसी भी चीज़ को हर्ट या किल नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल बींग्स सेड टू महावीरा लॉन्ग टू लिव, हर एक बींग का एक लंबा जीवन काटने का हद एक हक है। ठीक है, जो भी ऑर्डिनरी पीपल थे, मतलब हर एक पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, राइट? जो नॉर्मल पीपल है वो महावीरा की टीचिंग्स को काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे, बिकॉज वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही थी। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज जो है वो जगह से जगह उनका नाम चेंज कर दिया जाता था, जैसे जो मगध मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसका नाम, उसको मगधी बोला जाता था। ठीक है, महावीरा के जो फॉलोअर्स थे उनको जैनास का नाम दिया गया। ठीक है, जो कि अपनी सिंपली लाइफ जीते थे, खाने के लिए वो बैग करके खाना मांगते थे, मांग के खाना खाते थे, बहुत ऑनेस्ट थे। उसके अलावा चोरी करना तो कभी उनकी उसमें था ही नहीं। ठीक है, दे वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील इट। किसी भी मैन और वुमेन के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना काफ़ी डिफिकल्ट था। काफ़ी काफ़ी लोगों ने फिर भी काफ़ी लोगों ने जो है अपना घर छोड़ा और उनके वे में चलना शुरू किए। ठीक है, काफ़ी मॉन्क्स और नंस बन के ही रह गए। ठीक है, प्रोवाइडिंग देम विद फूड। जो जैनिज्म है वो कुछ 100 सालों में नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका जैसे एरियो में काफ़ी जल्दी फैल गया। उसके अलावा महावीरास के जो भी टीचिंग्स थी उसके फॉलोअर्स सेवरल सेंचुरीज तक ओरली उसको ट्रांसमिट करते रहे ओरल फॉर्म में। ठीक है, जो कि बाद में रिटन जो बाद में लिखा गया एक जगह पे रिचुअल्स वाला भी इन गुजरात आज से करीब करीब 1500 ईयर्स अगो। संघा, अब देखो जो महावीरा थे और बुद्धा थे, दोनों का बेसिकली अपने वो दोनों ही अपना घर छोड़कर आए अपना ट्रू नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, तो
तो उन्होंने अरेंज किया, दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघा, एक ऐसा एसोसिएशन उन लोगों के लिए जो अपना घर छोड़कर आ गए, ठीक है। बुद्धिस्ट संघा के लिए जो रूल्स थे वो विनाय पिटक पिटाका जैसी बुक्स में रिटर्न थे सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि सारे मेंस और वुमेन जहाँ जहाँ से जहाँ जहाँ पर सेपरेट किए गए, ठीक है। हर मैन जो है वो संघा ज्वाइन कर सकता था। हाउएवर हर एक चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स के परमिशन के बाद, और जो स्लेव्स है वो अपने मास्टर्स के परमिशन के बाद ये चीज़ ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। जो किंग्स के अंडर काम करते थे उनको किंग की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो डेटर्स है उनको क्रेडिटर्स की। उसके अलावा जो वुमेन्स है उनको अपने पति की हस्बैंड की अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना वो इनको ज्वाइन नहीं कर सकती थी, ठीक है। जो मैन और वुमेन जिन्होंने भी संघा को ज्वाइन किया उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ ली। वो मेडिटेट करते थे और सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे खाने का मांगने, और इन लोगों को अगर भिक्खू का इनको नाम दे दिया गया, ठीक है, भिक्खू और भिक्खुनीज फॉर वुमेन, ठीक है। जिन्होंने भी ये संघा ज्वाइन किया इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉटसेंस और स्लेव्स, हर तरह के लोग थे, सभी इक्वल ट्रीट किए जाते थे, ठीक है। कुछ उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम्स के थ्रू अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते थे संगा में रह के, ठीक है। विहारास जो जैना और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो बेसिकली जगह थ्रू आउट ईयर जगह से जगह पर ट्रांसफर वहाँ पे मतलब वो करते थे, मूव करते रहते थे ताकि उनको अपने अपनी टीचिंग सिखाने के लिए। जबकि रेनी सीजन में वो एक टेम्परेरी जगह पे रुक जाया करते थे, जब रेनी सीजन होता था तो काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो एक टेम्परेरी शेटर्स बना दिया जाता था उनके लिए गार्डन्स में या नेचुरल केव्स ऑफ ना के लिए एरियाज। ऐसे जैसे टाइम चलता गया तब काफ़ी जो भिक्खुज और भिक्खुनीस थे उन्होंने सोचा कि उनको एक परमानेंट शेल्टर बना देना चाहिए। उस टाइम पे मोनेस्ट्रीज बनना शुरू हुई, ठीक है। इनको विहारास का नाम दिया गया। जो पुरानी विहारास थी वो वुड्स की थी, बाद में वो ब्रिक्स की बनी, और कुछ तो केव्स में थी जो कि हिल्स में था, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेरी ऑफन जो भी ये लैंड थी जिसमें विहारा बनाए जाते थे वो रिच मर्चेंट्स या लैंड ओनर्स या किंग वही दान कर दिया करते थे, ठीक है। जो भी फूड, क्लॉथ और मेडिसिन थी भिक्खुज और भिक्खुनीज के लिए वो जो भी लोकल पीपल है वो दे दिया करते थे, बदले में वो लोगों को चीज़ें सिखाया करते थे। सेंचुरीज में बुद्धिज़्म काफ़ी हमारे सबकॉन्टिनेंट के अलावा और जगहों पे भी बहुत जल्दी फैल गया। बुद्धिज़्म का नया फॉर्म आया जिसको महायाना बोला गया, ठीक है। बुद्धिज़्म डेवलप हो चुका था। इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर थे कि बुद्धा की प्रेजेंस को अब स्कल्पचर्स में शो कर दिया गया, उनको शो करना शुरू कर दिया गया बुद्धा की प्रेजेंस को, ठीक है। कुछ सर्टेन साइंस भी थे। फिर जो पीपल का पेड़ था उसको एक स्कल्पचर बना दिया गया। बुद्धा जी के बहुत बड़े बड़े स्टैचूज बनाने शुरू हुए जो कि काफ़ी मथुरा में भी है और कुछ तक्षशिला में है, ठीक है। उसके अलावा एक सेकेंड चेंज ये आया कि बोधिसत्वास पे बिलीव जागा, जिस पे से दे वॉज सपोज टू बी अ पर्सन हु हैड अटेन एनलाइनमेंट, ठीक है। तो फिर ये सब कुछ करने के अलावा लोग जो है वो हेल्प करते थे लोगों को, टीच करते थे, उसके अलावा वो मेडिटेट करते रहते थे, ठीक है। जो बोधिसत्वास थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए सेंट्रल सेंट्रल एशिया, चाइना, फिर बाद में कोरिया और जापान जैसी जगहों पे भी ये फैल गया, ठीक है। जो बुद्धिज्म था वो वेस्टर्न और साउदर्न एरिया में ऐसा फैला कि डजन्स ऑफ को एक ही हिल पे बहुत सारी केव्स को बनाया गया भिक्खुज के लिए ताकि वो वहाँ पे रह सके। उसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, फिर कुछ साउथ ईस्ट एशिया के, इंडोनेशिया के साथ साथ कुछ ऐसी जगहों पे भी बुद्धिज्म बहुत जल्दी फैला, ठीक है। फिर बुद्धिज्म की जो पुरानी फॉर्म थी उसको थेरावादा बुद्धिज्म बोला गया, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे ज़्यादा फेमस हो रही है। सो यस, डेट इज इट फॉर द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।